हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केएसपी व्लॉग्स। आज मैं हूँ दिल्ली के मोस्ट वॉन्टेड कहे जाने वाले भूली भटियारी के महल में। दोस्तों आज हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, भूली भटियारी का महल है और ये इसका मेन गेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं और एकदम जंगल के बीचों बीच ये महल है। दोस्तों ये जगह है दिल्ली के करोल बाग में। यहाँ बग्गा लिंक से एक रोड शुरू हो जाती है जो आपको इस वीरान जंगल की ओर ले जाती है। इस रास्ते पे आने की किसी की हिम्मत नहीं होती। अगर आप लोग भी यहाँ आते हैं तो 100 बार सोचेंगे। ये जगह आज की नहीं है, ये जगह 14वीं शताब्दी से है। राजा जब जंगल में शिकार करते थे तो रात हो जाने पर इस जगह पे रुकने के लिए उन्होंने इस महल को बनवाया था। दोस्तों मैं भूली भटियारी के महल के अंदर आ चुका हूँ। ये इसकी दीवार है मेन गेट की, जो काफ़ी ख़राब कंडीशन में है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जगह बहुत एक वीरान खंडर की तरह है। महल के अंदर एक बड़ा सा बरामदा है जिसके चारों तरफ दीवारें हैं और दीवार के पास कुछ कमरे बने हुए हैं जिसके ऊपर एक छत भी है। तो चलिए दोस्तों इस छत के ऊपर चल के देखते हैं क्या है। दोस्तों ये महल की बैक साइड है जो मैं छत पे से देख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कितना घना जंगल है, जो अपने आप में एक बहुत खतरनाक जगह है। यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर भी हो सकते हैं और हो सकता है कि यहाँ पे कोई चोर वगैरह भी हो जो आपको लूट सकते हैं। बैक साइड में दूसरी तरफ से भी देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत घना जंगल है जहाँ पे जाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। और मैं भी इस साइड में नहीं जाऊंगा, मैं तो सिर्फ छत पे से देख रहा हूँ कि यहाँ पे जंगल कैसा है। बहुत खतरनाक जंगल मुझे लग रहा है, यहाँ पे जाना सेफ नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। की दीवार पे चढ़ के मैंने बैक साइड में देखा तो मुझे पानी भरा हुआ दिखाई दिया। मुझे लगा कि ये तालाब है लेकिन मुझे ये तालाब जैसा नहीं लग रहा है। यहाँ पे पेड़ ज़्यादा होने की वजह से पता नहीं चल रहा है क्या चीज़ है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। इस महल को फिरोज शाह तुगलक ने एक शिकारगाह के तौर पर बनवाया था। बाद में ये जगह उसकी रानी को बहुत पसंद आई थी तो उसके रहने की जगह बनवा दी गई थी। एक दिन राजा की बेवफाई से तंग होकर रानी ने इस महल में आत्महत्या कर ली थी। तो कहते हैं कि इस महल में रानी की आत्मा घूम रही है जो राजा से बदला लेना चाहती है, इसलिए यहाँ पर रात होने के बाद किसी को यहाँ नहीं आने दिया जाता, जिससे कि कोई यहाँ पर रानी के बदले का शिकार ना बन जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।